जमशेदपुर के गोविंदपुर में रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आधे घंटे तक पटाखे की आवाज से मैदान गूंजता रहा और रावण जलता रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। ऐसे आयोजनों के माध्यम से ऐसे आसुरी शक्ति से लड़ने का सकारात्मक उद्देश्य करें। आज समाज में विजयादशमी रावण और नए उत्साह के साथ स्वागत है कि हम ऐसे आयोजनों की गति से चलने वाला एक कोलाहल है, एक हलचल है जिससे मन व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से ऐसे आसुरी शक्ति से लड़ने का सकारात्मक उद्देश्य करें। आज समाज में रावण और नए उत्साह के साथ भारत के लिए हर नागरिक के लिए सबसे आवश्यक और ये आयोजन के माध्यम से न केवल एक आकर्षक दृश्य देखने को मिल रहा है बल्कि एक रचनात्मक भूमिका निभाने का एक साहस और एक संकल्प क्या पैसे देना चाहेंगे सर।